अगर आपने हमारे चैनल डिसेंट कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपका मालूम है हमारी वेबसाइट है कराची जॉब्स अपडेट। तो किसी भी जॉब के नए अपडेट हासिल करने के लिए अपना ईमेल आईडी डालिए और सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए तो आपको जो भी नई जॉब आएगी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो बहरहाल हमारी वेबसाइट है कराची जॉब्स अपडेट। आप जिस जॉब पे हम बात करेंगे वो है जी पाकिस्तान नेवी में जो नई जॉब आई है सिविलियन असामिया है। देखिए सबसे ऊपर है ये, अगर ये आपको ऊपर ना मिले तो उसके नीचे मिलेंगी जो भी जॉब आएंगी वो ऊपर हाईलाइट पर आती रहेगी, बाकी जॉब नीचे जाती रहेंगी। तो फिलहाल तो ये सबसे लेटेस्ट जॉब है इसलिए इस पर हमसे क्लिक करेंगे और इसकी डिटेल में जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या जॉब आई हुई है और किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के बिल्कुल ही नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है लाल रंग से लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जी दोस्तों, जॉब पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी हम डिटेल की तरफ आ गए हैं। पाकिस्तान नेवी में डिफरेंट ट्रेड में जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, बैचलर से मिडिल तक की तालीम है, एक्सपीरियंस है, उसके अलावा 18 से 30 साल उम्र है। लेकिन उम्र का जो मामला है वो आप जो है ना एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे से है, उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझाऊंगा भी इस वीडियो में, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तमाम डिटेल समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट बड़ा होकर आपके सामने इस तरह आ जाएगा। आप चाहे तो इसको इतना बड़ा करके इस तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर सिविल असामिया है ब्राय नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। ठीक है जी, उसके बाद जी है सिविल स्टाफ ब्राय PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ, फिर असामिया ब्राय PNCA नॉन टेक्निकल स्टाफ। ठीक है जी, ये तमाम अलग अलग भी असामियाँ हैं। इनमें देखिए इस पर स्टेनोटाइपिस्ट पे बात करते हैं हम, जो कि नंबर शुमार 17 हैं। मेरिट पे 3 है, पंजाब में 15 है, खवातीन है 2, सिंध है शहरी 3, सिंधही है 4। इस तरीके से आप जो है ना अपने इलाके की अपने डिस्ट्रिक्ट की जॉब को अलग करेंगे, फिर आप जो है देखेंगे तालीमी काबिलियत क्या है। देखिए उम्र की हद ऊपर लिखा तो है कि 18 से 30 साल है, लेकिन साथ साथ लिखा कि उम्र 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, याद रखिए कि 31 मार्च 2024 तक आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल हो। ये आप हिसाब किताब आप कंप्यूटर पर लगा लीजिए या खुद अपने जहन से लगा लीजिए या इंटरनेट का सहारा लीजिए, लेकिन ये डिटेल आपके पास मुकम्मल होंगी तो आप जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे कि उम्र आपकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए देखिए दीगर और भी असामियाँ हैं इसमें। देखा कराची डिवीज़न की डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, तो ये कराची वालों के लिए ख़ास असामियाँ हैं, इसमें तमाम कराची वाले ही अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने जो कराची वाले अप्लाई करेंगे तो उनको तरजीह भी दी जाएगी, इस तरह के इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम एक जो वैकेंसीज है लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की मेरिट पर 16, अकलियत में 1, टोटल 17 और सबके सब कराची के लिए। ठीक है जी, इस तरह की असामियाँ। फिर ये है ड्राइवर की असामियाँ 16 हैं, ये भी सब कराची के लिए हैं। तो इस टाइप की कराची मेट्रिक बेस है असामी। ठीक है जी, तजुर्बा होना चाहिए, हाफिज़ कुरान है उनके लिए भी असामियाँ। यहाँ पे खादिम मस्जिद है लिबर्टी टेक्नीशियन, खादिम मस्जिद के अलावा जो मौज़न की असामियाँ हैं जो कि मैट्रिक पास हाफिज़ हैं उनके लिए भी अच्छी असामियाँ हैं। और तमाम असामियों के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई है, कब से कब तक? 27 अगस्त 2010 से 10 सितंबर 2023 तक। हम अपनी वेबसाइट पर दोबारा हैं कराची जॉब्स अपडेट पर। इसमें देखिए मज़ीद डिटेल आपको कुछ उर्दू में समझाई गई है, अप्लाई का तरीकाकार भी बता दिया है कि किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई होगा। अब हमसे करवाएंगे ऑनलाइन अप्लाई तो 100 रुपये चार्जेज़ हैं, हम 100 रुपये चार्जेज लेंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। चाहे तो आप शॉप पे आ जाइए, NIC और जो भी आपकी तालीमी काबिलियत है उसकी डिटेल चाहिए होंगी। ठीक है ना जी, ये चीज़ें लेकर आप शॉप पे आके भी मेरे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो करवा जाते हैं जो शॉप से दूर रहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है यहाँ पर। अप्लाई करने के लिए देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा आप, joinpaknavy.gov.pk का लिंक यहाँ मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म आएगा पूरा, इस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा और साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आ जाती है। याद रखिएगा कि नेवी में फॉर्म फिल करने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आ जाती है, तो आप जो है ना साथ साथ ही स्लिप हासिल कीजिएगा। उसमें तमाम डिटेल लिखी रहेंगी कि आपको कब और कहां जाना है। अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल्स हैं इनकी अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, खासतौर पर कोटा सिस्टम के तहत। ऐसा ना कि आप फॉर्म फिल कर ले और वहाँ जाके पता चले कि आपका कोटा तो इसमें है ही नहीं। तो अप्लाई करने से पहले अच्छे से देख समझ के उसके बाद फिर अप्लाई कीजिएगा। तमाम जो उस पर की अप्लाई का एक ही तरीकाकार है। ठीक है, बाकी जो स्लिप आएगी हासिल होगी रजिस्ट्रेशन की उसमें तमाम तरीकाकार लिखा गया होगा। तो अप्लाई करने के लिए हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नई और अच्छी जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज़।